तुम एक टिपिकल मिडिल क्लास शरीफ इंसानों के बच्चे हो, और अगर गलत करोगे तो ऐसा गुनाह का एहसास होगा कि जिल्लत जिंदगी में ही मर जाओगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। शादियां कर लेते हो, बच्चे कर लेते हो, उधर ही पाल जाते हो, और फिर यहाँ के कहते हो सर यहाँ का निज़ाम बड़ा ख़राब है। देखिए जी, ये तो बात की एक लंदन में। हाँ, तो मैं आखिर में ना कायद आज़म की नकल उतारता था, वो था पी टी वी पे, आई हैव नो डाउट दैट इज़ ब्यूटिफुल लैंड ऑफ योर्स इज एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक। तो मैं वो बोलता था, तो वहाँ पे वो लड़कों ने लड़कियों ने वो जिना जिना के नाचने, उन्होंने सबसे कहा सबसे अच्छे जिना तुम बने हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। जिंदगी विद साजिद हसन में आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाऊंगा जो इंतहाई ब्राइट है, राइटर हैं, राइटर मैं क्योंकि हम बहुत से पहले मिले थे तो राइटर थे, लेकिन अब आप ये देखें कि इन्होंने बड़ा कमाल काम किया। मनी लॉन्ड्रिंग और दुनिया में जिस किस्म की बैंकों में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ये एक्सपर्ट हैं, और ये दुनिया में जाके ट्रेन करते हैं लोगों को कि इससे किस तरह बचा जाए, बल्कि इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तान में इनको बुलाया गया। अभी सेमिनार में आए हुए रजा बाकर साहब ने इनको बुलाया हुआ है, उनके पास बड़ा साइन करने का अथॉरिटी है नोट्स पे, और हमारे हैदर जना को हम पूछेंगे कि वो ये सैलानी जो हैं अब ये, क्योंकि ये पाकिस्तानी थे। हैदर, तुम पाकिस्तान से कब गए हो यहाँ से? मैं गया हूँ 2010 में। तुम एक टिपिकल मिडिल क्लास शरीफ इंसानों के बच्चे हो, हाँ, जिन्होंने कभी गलत काम करने की कोशिश नहीं की, एक बात, और अगर गलत करोगे तो ऐसा गुनाह का एहसास होगा कि जिल्लत जिंदगी में ही मर जाओगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। तो जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी उठान मिली कि जिसमें तुमने 24 घंटे पहले पढ़ाई भी की और साथ साथ काम भी किया। जी, अम्मी अब्बा दोनों पढ़े लिखे थे और इंतहाई शरीफ थे। माँ पढ़े एक एक टीचर थी। जी हाँ, और क्योंकि वो टीचर थी और उर्दू बहुत अच्छी जानती थी और उनको शेर शायरी से बड़ा शगफ था, तो वो चाहती थी आप भी कोई बहुत बड़े जैयद किस्म के फलसफी बन जाएं। हाँ, वो ये चाहती थी आपका एक नाम हो, एक आपका मकाम हो, वो ये चाहती थी। जी, आपके खानदान में ऐसे लोग थे जिनको देख देख के उन्होंने कहा कि अगर तुमने अगर ये कर लिया इनके नक्शे कदम पे चलो तो तुम्हें ना सिर्फ जन्नत मिलेगी बल्कि। तो आइए जी, ये हैं हैदर जना। हैदर, मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाओ सीधा सीधा। पाकिस्तान और दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मसला है जी। इस पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले तो ये बताओ कि लंदन में पाकिस्तानियों और तुम जैसे लोग जो पढ़े लिखे चले जाके वापस कभी नहीं आने की कोशिश करते, शादियां कर लेते हो, बच्चे कर लेते हो, उधर ही पाल जाते हो, और फिर यहाँ के कहते हो सर यहाँ का निज़ाम बड़ा ख़राब है। देखिए जी, ये तो बात की एक लंदन में। हाँ, तो ये ऐसे ही है। मैं यहाँ भी रहा हूँ 10-11 साल से, पहले मैं UAE में था, तो मेरे पास अच्छा कंपैरिजन है तीनों जगहों का। पाकिस्तान की अपनी बात है, अपना मुल्क है, अपनी मिट्टी है, लेकिन बड़े मसाइल हैं यहाँ। मसाइल इसलिए हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चले गए जहाँ क्वीन रहती हैं। क्वीन एलिजाबेथ से बड़ी दोस्ती हो गई हुई तुम्हारी, तुम्हें अभी मिलने वाला हो OBE, तुम जल्दी से क्वीन के बंदे बन जाओगे। नहीं, मैं देखें आपको बताता हूँ, एक तो मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ, मैंने अभी तक ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया, आई वॉज एलिजिबल फॉर 4 लो लिया वो, दैट्स अ, मगर मैं ये बताऊँ कि जो वैल्यू मुझे नज़र आती है पाकिस्तान में, मुझे हमेशा मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। तो सच है बिल्कुल, मेरे जैसे लिए, मेरे जैसे पाकिस्तान जैसी दुनिया जगह वाकई नहीं है। देखे तो हैदर जिना, अब आप तुम्हें मैं एक बात सुनो, तुम्हारा नाम हैदर जिना है, तुम्हारा मसला ही है, अदरवाइज तुम तो कब के पासपोर्ट चेंज कर चुके थे, तुम्हें जिना का नाम उसकी लाज रख रहे हो। हाँ, कि हमारे कायदे आजम का नाम, ये जिना क्या तुम्हारा नाम रख दिया, किसे रखा है? ये मेरा नाम है सैयद मोहम्मद हैदर। वो हुआ ये था कि मैं डिबेट्स करता था, तो एक दफ़ा GIK में मैं डिबेट कर रहा था। GIK क्या होता है? गुलाम इसा खान यूनिवर्सिटी। गुलाम इसा खान, वो जो 75 फुट का पुस्टर था, उसका हमारा प्रेसिडेंट का नाम पे, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मैं एक तकरीर कर रहा था। तो मैं आखिर में ना कायदे आज़म की नकल उतारता था, वो आता PTV पे, आई हैव नो डाउट
दैट इज ब्यूटिफुल लैंड ऑफ योर्स इज एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक. तो मैं वो बोलता था. तो वहाँ पे वो लड़कों ने लड़कियों ने वो जिन्ना जिन्ना कहना शुरू कर दिया. उन्होंने सबसे कहा सबसे अच्छे जिन्ना तुम बने. उन्होंने कहा जिन्ना जिन्ना कहना शुरू कर दिया. वो फिर डिबेटिंग सर्कल्स में मशहूर हो गया. कुछ दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया. फिर तुम्हारा तो शिबली नुमानी टाइप होना चाहिए था. कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि क्या किसी ने गलत तुम्हारे वो बच्चों ने पढ़ा लिखा नहीं होगा. सबसे जो गलत हरकत हुई वो एक प्राइवेट चैनल के मैंने एक प्रोग्राम किया था. उस सुबह में जब उठा तो उन्होंने प्रोग्राम के नीचे मेरा नाम हैदर जिन्ना चला दिया था. एंड राइटर बनना चाहते थे. तो आपने तो बहुत कुछ पढ़ा. अब आपको मैं क्या बताऊं. नहीं मैंने क्या पढ़ा. मैंने मेरा मेरी स्क्रिप्ट आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि मैं ना हमने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया. तुमने हमें सिलेक्ट किया. तुम्हारे हाथ से तो कोई बच नहीं सकता. उस वक्त भी तू बहुत तेज आदमी था. तुमने सोच लिया था कि साजिश आपको पकड़ के उसे. अब मैं देख रहा हूँ कि जो हैदर की बड़ी मसला ये आता जा रहा है कि पढ़ाई का शायद फुकदान है. हर बच्चा जल्दी में है. जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं. वो डेप्थ नहीं है इस पढ़ने में. किसी फलसफे को नहीं पढ़ते. किसी सब सिस्टम को नहीं समझते. ड्रामा पढ़े बगैर ड्रामा बना रहे हैं. और बहुत जल्दी में कॉस्मेटिक हो गया है ड्रामा भी. बस खूबसूरत लगो. लड़की को आपने लपेट लपाट के अच्छा कर दिया. हसीन सा एक लड़का. लड़के ऐसे हो गए खुदा की कसम. अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हैदर जना. तू तो फिर मर्द लगने लगा है. लेकिन ऐसे ऐसे मेकअप में आते हैं कि मैं तुझे मैं बता नहीं सकता. उनके इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे फॉलोअर्स हैं करोड़ों चार पाँच. तो ये जो चेंज आया है कि आप सडनली एक एक स्पिरिचुअल दुनिया से. हम जब समझते थे हम समझते थे ड्रामा स्पिरिचुअल है हर चीज़ स्पिरिचुअल है. अब एक बहुत कॉस्मेटिक हो गया है. एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अभी जानता हूँ जो कि ड्रामा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है. उन्होंने नहीं पढ़ा. जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ड्रामा कम से कम हमारी हिस्ट्री नहीं पता. हमारी मैं नहीं कह रहा कि आज तन्हाइयां कहीं जैसे उस जमाने में बनता था वैसे ही आज बना लें. प्रॉब्ली स्लाइटली स्लोअर फॉर टुडेज डे एंड एज. बट पढ़ना ज़रूरी है. हिस्ट्री समझना ज़रूरी है. हमारी क्या प्रेसिडेंट्स हैं किस तरह की चीज़ें जो अच्छी चीज़ें उनको रखें जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनको ना रखें. एक तो ये बड़ा हो जाता है कि वो हर चीज़ का जो हम हर चीज़ को कह देते हैं कि अब डिजिटल एज है. जमाना बदल गया है. कुछ भी नहीं बदला. कुछ नहीं बदला है. बकवास है ये. मैं अब तो बुढ़ा हो गया. तुमको कैसे तो कि डिजिटल एज का बेड़ा. अगर डिजिटल एज में हम समझते थे कि जिंदगी आसान होगी जिंदगी मुश्किल होगी. अगर डिजिटल एज इतनी इफेक्टिव होती तो शायद आप अगर यूट्यूब पे अभी भी जाके देखें तो आप अनकही तन्हाइयां धूप किनारे इन पे रोजाना नए व्यूज आ रहे हैं हजारों की तादाद में. और एक आदमी ने नहीं पचासियों ने वो उसको अपलोड किया हुआ है. और हर आदमी जाके वो देख रहा है. ये हर आदमी वो देख रहा है. और जब भी वो मुझे फ़ोन करते हैं वो कहते हैं और फिर मेरी शक्ल देखते हैं वो कहते हैं वो हमारा साजिद हसन कहाँ गया. मैं कहता हूँ काफ़ी अर्सा हो गया मार दिया मैंने उसको. क्योंकि यहाँ हालात ऐसे रहे. फिर एक एज आ जाती है. अरे ये जो ड्रामे से ये सडनली जो तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग ये टेररिज्म फाइनेंसिंग ये जो बड़े बड़े मसाइल हैं दुनिया को ख़ासतौर पर इंडिया जो हमारे पास मुस्तकिल इल्ज़ाम लगा रहा है हम उनके ऊपर इस पे कैसे चलेंगे इस पे बात करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात कहीं मत जाइएगा. FATF पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार की तरह लटका हुआ है. कैसे लटका है क्यों लटका है उसके हमारे पर क्या इम्प्लिकेशन होंगी आइए इस जवान हैदर जिन्ना से पूछेंगे. लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक खवातीन हज़रात. आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन. मैं हूँ साजिद हसन. जी हाँ फाइनेंसिंग टेररिज्म की ये दुनिया में अब ये जो गोरी एडमिनिस्ट्रेशन है हैदर अजीब बात है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया हुआ है सारा पाकिस्तान के ऊपर. और साना ओनस जो है यानी कि जिम्मेदारी ओनस कहते हैं जिम्मेदारी को. बार बार आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तानियों ने कि ये जिम्मेदारी जितनी भी है वो पाकिस्तान के हाथ में डाल दी है कि आप अपने आप को प्रूव करें कि आप इनोसेंट हैं. एक तरफ तो जो पूरा इंटायर एडिफिस है जो पूरा पूरी इमारत है ये जो लॉ की वेस्टर्न वो बनी है इस बात पे कि आप उस वक्त तक मासूम हैं या बेकसूर हैं जब तक साबित किसी भी शुबे के बगैर जिसमें कोई शुबा ना हो कि आप वाकई गिल्टी हैं आपको सजा नहीं हो सकती. यहाँ पाकिस्तान में इंडिया में जो इस तरह का सिस्टम रहा है वो इसके बिल्कुल बरक्स रहा है. अब बाहर के मुल्कों में भी ऐसा हो गया. ऐसे ही है. तो आप लोग हमें क्या बता रहे हैं यार कि हमें क्या करना चाहिए. देखिए ये बिना वर्किंग एट अ बैंक तो मैं देखता हूँ हमारे सैंक्शन रजीम एक है कि आप कुछ सैंक्शन हो जाए कुछ मुल्कों ईरान में कर दो ईरान पे सूडान पे अफगानिस्तान पे कोशिश की
व्हेन वी रीड अबाउट इट, हम लोग सब क्योंकि हम वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे बैंक्स में बैठ के, तो इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि ये हुकूमतों को सज़ा नहीं दी जा रही है, ये लोगों को ज़्यादा सज़ा दी जा रही है. बिल्कुल. एज एन इंडिविजुअल मुझे अफसोस है. लोगों को सज़ा किस समझा क्या जाता है, जो है अगर आप देखें ईरान में आपने अगर फ़र्ज़ करें अब दवाइयाँ कम बंद कर दी, इराक में तो कर दी थी. तो वो क्या उसको तो मिलती रही है सद्दाम हुसैन को दवाइयाँ, उसके पास तो लोग ही लोग, ये तो गरीब मरता है ना. तो वो चीज़ हम सबको एहसास है, मगर वो अनफॉर्चुनेटली हमने खुद जैसे आपने कहा अनफॉर्चुनेटली कुछ इंप्रेशन ऐसा है, जब आपको पता है कि पूरी दुनिया आपकी छोटी सी गलती का इंतजार कर रही होती है. देयर आर 100 थिंग्स दैट हैपन. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. जब मैं वहाँ नया नया आया 2010-2011 में, तो सारे बैंक्स के ऊपर अताब आया. ये जो अब FATF आपके साथ पाकिस्तान में हो रहा है, ये सब चीज़ें UK में 2009-2010 में हो चुकी हैं. एवरीवन नोज लंडन इज़ द मनी लॉन्ड्रिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सारी दुनिया का ये मानते हैं ना. हाँ, ये मान रहे हैं, साहब साहब वहाँ रहते हुए ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपने करनी है, अगर आपको बहुत शौक है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो इंग्लैंड में बहुत बेहतरीन जगह है, उसको इस्तेमाल करें जी आगे. मगर ये कि उन्होंने उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी बनाए हैं, एंड दे ट्राई हार्ड टू काउंटर दैट. नाउ अनफॉर्चुनेटली अगर आप छोटी सी भी वो गलती करते हैं, से फॉर इंस्टेंस पैनामा पेपर्स में आपके एक्स वजीर आजम का नाम आ जाता है, पैनामा पेपर्स में नाम आना से प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे अरब ममालिक क्यों प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे अरब ममालिक के शुयूख का भी उसमें नाम है, मगर बिकॉज द मनी वॉज, इट्स नॉट अबाउट कीप, वो BVI में अकाउंट खोल के अपनी कंपनी बनाना और उसके थ्रू प्रॉपर्टी लेना कोई इलीगल काम नहीं है. मसला ये कि वो पैसा जिससे आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या आप अपने मुल्क का पैसा लेके आए हैं? तो शुयूख वो वहाँ के जो शेख हैं, दे हैव ऑल द एविडेंस इन द वर्ल्ड. आप क्या मतलब कह रहे हैं, वो तो सब सही है, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो नाम आया पैनामा पेपर में, जी हाँ, उसकी वजह से उनको ये साबित नहीं हुआ कि वो चोर है? देखिए, ये दिस व्हाट आई एम सेइंग, अभी बेनामी अकाउंट्स का एक हुआ रहा था. मैं अभी आपको बताऊं कि जितनी भी हम ट्रेनिंग्स करते हैं, तो मैं अटेंड भी करता हूँ, करता भी हूँ ट्रेनिंग्स, बहुत अफसोस होता है कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी कोई ट्रेनिंग कर रही है, उसके अंदर 200 टॉप बैंकर्स बैठे हैं पाकिस्तान UK के, और उसके अंदर जो पहला केस इस्तेमाल होता है वो एक स्विस पाकिस्तानी बैंक का होता है, जो पॉलिटिशियंस या पेप जिनको हम कहते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल, वो अगर आते हैं तो वो सारे हमारे पाकिस्तान के होते हैं, बिकॉज वो इतने ऑब्वियस और बेहतरीन केस स्टडीज हैं फॉर अ पर्सन लाइक मी टू स्टडी एंड सी हाउ नॉट टू डू मनी लॉन्ड्रिंग एंड गेट कॉट. बिकॉज ब्लेटेंट, और एक तो तरीका होता है कि सोफिस्टिकेटेड, बड़ी अजीब बात है. देखिए, आप तो कोई बताने की हमारे जैसे लोगों को जरूरत इसलिए नहीं है भैया कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान हो या इंडिया, यहाँ से बेतहाशा गलत काम करके लोगों को, गरीबों को लूट के, जी हाँ, उनके टैक्सेस के पैसे लेके, उनसे झूठे वादे करके, उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद करके, तालीम ना देके, पानी के लिए कुछ ना करके, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक धेले का काम ना करके, आप इत्मीनान से लंदन जाके बैठ सकते हैं. और लंदन जाके बैठ जाते हैं सारे के सारे, चाहे इंडिया से हो, विजय माल्या से लेके, वो जो भी उसने भी IPL वाले ने भी जो काम किया है, कमाल, करोड़ों हजारों करोड़ों के पैसे हैं, मतलब आवाज ही नहीं निकलती कि इतने ज्यादा करोड़ हैं. ये क्या लंदन में इन लोगों को कोई मॉरल वो नहीं है, कोई सोच नहीं है कि ये आप लोग सारे चोरों को आप पकड़ के वहां बिठाया हुआ है आपने, और हैदर साहब वहां याशी करें, तुम उनके लिए काम कर रहे हो? रेपुटेशनल डैमेज जो लंदन को हुआ है पिछले 10 साल में इज मैसिव. ये जाके आप लोग बाहर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, और फिर वहां से आप लोग पासपोर्ट ले लेते हैं. आप लोग से मुराद ये है कि आप नहीं लिए थे, मान लिया भाई कि हैदर जिना वापस आ रहा है, लेकिन एक जनरल बात तो है, 100 में से 99 जो है ना, वो आप जैसे नहीं है कि वापस नहीं आएंगे, वो ले लेते हैं. वो उनको एक ऑप्शन रहता है, एक पासपोर्ट एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी का पासपोर्ट, मैंने क्या, मुझे तो पता है कि जिस एयरपोर्ट पर चला वो जू ही वो पाकिस्तान का ऐसे करता है, ऐसे देखता है, फिर कहते हैं इधर साइड पर आ जाओ, फिर आप लाइन से खड़े होकर देखते रहते हैं, पता नहीं क्या करेगा अभी, सब आपको देख रहे होते हैं कि अभी हाथ ये है ना, इसको क्या, क्या हुआ, हुआ है? हाँ. अच्छा, वो पाकिस्तानी देख के पहले तो उनको पता, आपको पता होता है पाकिस्तानी है. मेरे साथ यह हर जगह होते हैं, हाँ. मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, मैंने तो छोड़ ही दिया ट्रैवल करना, पाकिस्तान जिंदाबाद, जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद आए सो आए. अभी इमरान खान ने टूरिज्म पॉलिसी ओपन कर दी है, तो इसको बुलाओ, पूरी दुनिया को बुलाओ, आ रही है पाकिस्तान में. सी, देयर इज अ लॉट ऑफ बज़. एक तो मैं अपने हिसाब से बताऊं, अपनी फील्ड के हिसाब से, फाइनेंशियल क्राइम के हिसाब से, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट है संजीदा भी है,
ऑल द स्टेप्स दैट दे आर टेकिंग, जो रिकमेंडेशंस हैं 40-43 रिकमेंडेशंस हैं FATF की, हमने बहुत ज़्यादा हद तक उनको मीट भी किया है। अच्छा, ये जो रिकमेंडेशंस हैं, पहले तो तुम ये बताओ एज अ पाकिस्तानी बताओ, अब गोरे की ऐसे ना बता देना कि ये FATF ठीक, इसमें जो शरायतें ये हमारे खिलाफ नहीं है ज्यादातर, इतना मुश्किल शरायतें, ये सारी वही शरायतें जो सारी दुनिया फॉलो कर रही है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हम अभी जो हमारे साथ ज्यादा सख्ती नहीं है, हमारे साथ सख्ती इस वजह से क्योंकि थोड़ी सी रेपुटेशन हमारी खराब है। यार रेपुटेशन पे आप लोग खामखा में जाएंगे, आप वो देखिए, वो तो यू कांट चेंज हाउ पीपल फील अनटिल अनलेस यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। मैं आपको छोटी सी यार, मगर हमारी आप सूरत हाल भी तो देखें, एक तरफ वो इंडिया है जो मुस्तकिल कोवर्ट वॉर किए जा रहा है, कोई टाइम नहीं छोड़ता, स्पेशली आफ्टर कश्मीर, आफ्टर व्हाट दे हैव डन इन कश्मीर इन द पास्ट 6 मंथ्स, देयर रेपुटेशन इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। नहीं तो अभी एक मिनट, आप ये बताएंगे इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर इशू के बाद जो यूएन में जाके हमारे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने बात तकरीर की, उससे जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है लोगों में, आम जो तासर हुआ है, वो क्या है? आप लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या इंडिया सही कर रहा है? देखें, इसमें आपको आई टेल यू व्हाट, इमरान खान इज समवन हु जनरली द ब्रिटिश पब्लिक नोज, आपने मुझे बात की थी मुझसे, मैंने इमरान खान जब तकरीर करते हैं यूएन में या कहीं करते हैं, तो इफ ही इज ऑन टीवी पीपल स्टॉप एंड वॉच, दैट्स अ गुड थिंग, ही सेज द राइट थिंग्स, ही इज टेकिंग द राइट स्टेप्स, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर चीज में हम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इट्स हमें ही बदलना पड़ेगा, ये जो फाइनेंशियल तुम हमें ही बदलते रहो, देखिए मैं आपको, तुम कुछ ना करो, इंडिया हमें मारता रहे, कश्मीर पे जुल्म होता रहे, नहीं नहीं तुम लोग हमें बताते रहो। ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया में क्लियर है अब कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंडिया क्या कर रहा है कश्मीर में, ये सब क्लियर है। एट द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ा सा खुद बदलने की जरूरत है, अभी जो कल्चर चेंज की जरूरत है। अब मैं किसी बैंक में भी जाता हूँ, I work as a transformation consultant. यानी जब एक बैंक को रेगुलेटर के साथ प्रॉब्लम होता है, जब रेगुलेटर उसको कह देता है कि अब आप कोई अकाउंट नहीं खोल सकते जब तक आप अपनी पुरानी बुक्स ठीक नहीं करेंगे, सो आई गो इन, आई अपलिफ्ट देयर पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड देन आई गिव देम अ न्यू रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी और सब। यार ये तुम जैसे लोग ये मेथड्स बनाते हो, देखो बेटा वैसे तो हैदर मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, हाँ नहीं, लेकिन मेरी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि बूढ़ा हूँ, हम सोचते थे यार हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तुम जैसे लोग पढ़े हुए हो, तुम लोग जाके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, बड़े बड़े बैंक, बाद में चलो बैंक तो सबसे ज्यादा पक्के 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 सबसे ज्यादा तो कंप्लायंस वो करते हैं चोरों के साथ। आप मान रहे हैं ये बात कि अगर आप बैंकिंग में बैंकिंग के साथ काम पक्का गलत भी कर रहे हैं, कोई बात, वो आपको बचाता है? देखें अभी आज कल ट्रीटिंग कस्टमर्स फेयरली पे बार्क्लेज बैंक जिसके साथ मैंने काम किया, अभी 24 मिलियन पाउंड का उनको फाइन लगा है। सिर्फ पिछले 10 साल में बैंक्स को ट्रिलियंस ऑफ पाउंड्स का फाइन लग चुका है, बड़ी बड़ी कंपनी जिनको कोई टच नहीं करता था, वो देते, तो ये एक नहीं देते हैं, देते भी हैं और रेपुटेशनल क्योंकि आपके आपको पता है ना कि एक मिनट, आपको पता है ना कि दुनिया में ये जो करेंसी की सारी सिचुएशन है ये इमेजिनरी है। जी हाँ, जी हाँ, एक्चुअली करेंसी है कोई नहीं, ये गवर्नमेंट किस तरह से बना रही है, और ये वेल्थ क्रिएशन है, ये भी एक अजीब चीज है, इस पे हम पेपरलेस करेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करेंगे, हैदर से छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप टेक्नोलॉजी के ज़रा सेवी करते हैं आप पाकिस्तानियों को, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जिंदगी भी साझेदार से। वेलकम बैक अवती नजरात, आप देख रहे हैं जिंदगी भी साझेदार से, और मुझे हैदर जिना पे बड़ा रहम आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में एक गोरा आके फंस गया है और वो कह रहा है कि मैं रहता तो वहाँ हूँ लेकिन मैं हूँ पाकिस्तानी। तो मुझे भी ये बता रहे थे अभी वक्फे में कि जब वहाँ इन इन करप्शन पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, फाइनेंसिंग पे, गलत किस्म की फाइनेंसिंग पे सेमिनार्स होते हैं तो 3 तस्वीरें बहुत ज़्यादा दिखाई देती। कौन सी तस्वीरें थी वो? हमारे पॉलिटिशियंस की। यार देखो एक मिनट बात सुनो, तुमने झूठ नहीं बोलना, बता दो ना। देखो तुम मेरा बेटे की तरह हो, पाकिस्तान के बेटे हो, हम तो पता, हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में
किन किन की तस्वीरें लगा के वो डिस्कस कर रहे हैं? क्या बताऊं, रोजाना टीवी पे इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पूरी पूरी रात हम सिर्फ न्यूज शोज में उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। उसका क्या डिस्कस कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ और से देखो हैदर जी ना, तुम किसी क्या, मेरी बात सुनो, तुम मुझे ये बताओ कि दुनिया भर में तुम गोरे बाहर बैठ के सेमिनार करते हो जाओ, और उनमें से 400 लोगों में से एक पाकिस्तानी तुम चुपके से बैठे हुए होते हो, 400 गोरा है और एक हमारा शहजादा बैठा हुआ पाकिस्तानी जो एक्चुअली शक्ल से फलस्तीनियन लगता है, इसलिए तुझे वो पाकिस्तानी नहीं समझ, तुझे पता है तू पाकिस्तानी। अब वहाँ पाकिस्तान को वो डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ 3-4 तस्वीरें वो बार बार दिखा रहे हैं। वो पाकिस्तान को डिस्कस नहीं कर रहे होते, बेसिकली होता ही है कि जो हमारे यहाँ जो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने बहुत सारे, लेकिन हमारे ऊपर तो स्पेशल वो एक खास फोकस हमारे वालों ने की, एक तो वो भोंडे तरीके से की कि वो इतनी ऑब्वियस है कि वो मेरा जो जूनियर एनालिस्ट है वो भी देख के मुस्कुराता है कि यार ये इसमें ये कर लेते तो शायद यूं बच जाते, यूं कर लेते, मतलब ऑब्वियस चीज़ें जो की मोसैक फोंसेका के साथ, अब मतलब दे वर डूइंग इट फॉर लोड्स ऑफ पीपल, मगर उन्होंने भी इनके लिए माठा काम किया टू बी ऑनेस्ट। उसके पीछे लिटिगेशन, आपको मैं सिस्टम समझा देता हूँ, आपके पास एक लॉयर होना चाहिए अच्छा, आपके पास एक पैसा का बहुत बड़ा बैंक अकाउंट बैंकर होना चाहिए, आपके पास बैंकर अच्छा बहुत होना चाहिए, एक फाइनेंस एडवाइजर होना चाहिए, और आपके पास हर वक्त एक पासपोर्ट तैयार होना चाहिए, आप बच रहे हैं। पासपोर्ट के साथ किसी वक्त भी गायब हो सकते हैं। जी हाँ, ये आपने बातें ठीक की हैं, मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी मुल्क जो है वो इस वक्त FATF से बचने के लिए दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू एटलीस्ट डू दैट टिक बॉक्स एक्सरसाइज राइट, उसमें हो ये रहा है कि अगर लेकिन हमारे देखो बेटा हैदर मियां, आप ये देखते हैं FATF से मुझे कोई वो कंप्लायंस करें, हम उनकी बिल्कुल हम सिविलाइज्ड हैं, हम दुनिया में चाहते हैं कि पाकिस्तान सिविलाइज्ड मुल्कों के साथ चले, लेकिन जब आप इस तरह की एक्स्ट्रा स्ट्रिंजेंट और ज्यादा सख्त किस्म के मेजर्स ऐसे मुल्क लेते हैं, ओके ना, जिसको एक बहुत बड़े मुल्क से खतरा है, ये आप जानते हैं बेटा जी, है जी, ना कि इंडिया के साथ हमारे तो कोई, हम कैसे हमसे लड़ेंगे, इतना बड़ा मुल्क है, हम तो लड़ना नहीं चाहते। इट डजंट मेक सेंस कि पाकिस्तान इतने बड़े मुल्क के साथ जंगी जुनून का शिकार हो जी, तो हमें तो वो चाहिए, हम उनको जब भी नेगोशिएटिंग टेबल पे बिठाने की कोशिश करते रहे नहीं बैठते, इनको कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं ये पाकिस्तान को, ये आप जानते हैं, इतनी बड़ी फोर्स के साथ वो मुस्तकिल हमारे खिलाफ लगे रहते हैं। कश्मीर के इशू को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जितना भी आप बायस्ड हो जी, जितने भी इंडियन हो आप, थोड़ा सा आपको एहसास होना चाहिए, आप रॉ के एजेंट ही क्यों ना हो, आप अभिनंदन ही क्यों ना, आपको थोड़ा सा तो शर्म आती है कि यार ये ज्यादती हो रही है। तो ये इस सारे बैकग्राउंड के अगेंस्ट आप लोग पाकिस्तान को देख रहे हैं कि मुस्तकिल बाहर के मुल्कों में डीमोनाइज किया जा रहा है, हर वक्त वो ऐसी बातें हमारे बारे में उछालते हैं जो ज्यादातर सही नहीं है यार हैदर भाई। अच्छा साहिब भाई, एक तो ये है कि क्योंकि वो 10 दिन में अगर पाकिस्तान की एक खबर आती है तो पूरी सारे यहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं वो उस एक खबर को उठा के दिखा देते हैं कि देखें यूके में पाकिस्तान इस तरह डिस्कस हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज नॉट दैट बिग एन इशू ऑफ अ डिस्कशन देयर, जहाँ जो जहाँ पे नहीं डिस्कशन का इशू अगर नहीं है तो इस वजह से नहीं है कि वो एक थलॉट कर चुके हैं हमें, वो ये कह चुके हैं अपने दिमागों में जी हाँ कि ये एक दहशत पालने वाली जगह है पाकिस्तान, ऐसे इस तरह ब्लेटेंटली तो किसी को भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानते तो है ना आप, तो रहते हैं उन लोगों में, वो इंडिया के बारे में भी गोरे के दिमाग में पाकिस्तान की इमेज कैसी है, सच बता दो। वो मिडल ईस्ट के बारे में भी यही सोचते हैं, मैं आपको बताऊं, वो यूएई जब मेरे साथ जहां मुसलमान रहते हैं, हाँ अब अनफॉर्चुनेटली मुसलमान सिर्फ नहीं है मिडल ईस्ट, उनके उनके जहन में देखें अमेरिका इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम यूके, यूके में लोग, अरे चलो बेटा मैंने बहुत तुम्हें गलत जगह ले गया हूँ, तुम मुस्तकिल डिफेंड किए जा रहे हो, तुम दूसरी तरफ से आ जाओ। अब जब तुम जाते हो ऐसे पाकिस्तानी बाहर जाते हो और इस किस्म की बातों के अंदर इंगेज करते हो, सेमिनार्स होते हैं, हमें कैसे डिफेंड करते हो तुम? मैं डिफेंड जिनको करने की ज़रूरत है वो उसके लिए काम कर रहे हैं पिछले एक साल में, जो हमने FATF की रिकमेंडेशंस जो 22-24 जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान विल मैनेज टू फुलफिल एटलीस्ट 20 एंड अबव, वो बाकी ममालिक पीछे रहते हैं, वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू FATF।
There's a reason why we are in the grey list and not in the high list. There are some really good efforts being put in, and I think इसीलिए ये सब कुछ देखने के बाद मैंने भी दिमाग में सोचा कि यार मैं आऊँ मुल्क में थोड़ी अगर कोई चांस लग क्या सकता करोगे तो इस मुल्क में आके इसमें अब आपको मेरी बात सुने जिस किस्म की कदगन हमारे यहाँ लगी हुई है इस पर बहुत इम्प्रूव हो गया है हो गया अब मैं आपको बताता हूँ in last 15 days because I'm working on the conference and the seminar I've spoken to loads of different junior mid-tier CEO bankers सबसे मुलाकात हुई आज से 10 साल पहले अगर आप जिंदा होते थे तो आपका अकाउंट खुल सकता था राइट फिर ये हुआ कि आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आपका अकाउंट खुल सकता है फिर एक स्टेज बहुत जल्दी ऐसी आई कि आप शनाख्ती कार्ड ज़रूरी नहीं है अब आप शनाख्ती कार्ड के साथ आदमी को भी उसके अंदर आना पड़ेगा फिर एक हुआ कि आपके पास शनाख्ती कार्ड हमारे साथ अकाउंट खोल ले नहीं बायोमेट्रिक यही तो सब अकाउंट नहीं खोल सकते आप देयर आर टाइम अब ये वक्त आ चुका है कि जहाँ पर देखें मैं एक FATF का अगर एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ मैं एक ट्रैफिक लाइट पे खड़ा होता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द कोई 10 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं राइट मैं देख रहा हूँ कि 17,000 रुपए या 18,000 रुपए बेसिक इनकम है और मेरे साथ वाला जो मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ उसके साथ एक 45 लाख की गाड़ी खड़ी हुई है एक 50 लाख की गाड़ी खड़ी है और वो ड्राइवर चला रहा है होना तो ये चाहिए कि 17,000 जिस मुल्क की इकॉनमी में 17,000 एक आदमी की बेसिक इनकम है उसको तो एक बेसिकली ड्राइवर को नहीं बल्कि खुद उसको फरारी की तरह गाड़ी चलानी चाहिए और बहुत खुश होना चाहिए करोला चला के मगर आप यहाँ पे आके देखें चार चार यार आप लोग हमारे अंदर आप चाहते हैं कि हम फिएट चलाएं नहीं आप चाहते हैं हम सुजुकी अल्टो चलाएं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन आप चाहते हैं मोटरसाइकिल चलाएं हम साइकिल चलाएं द इंप्रेशन दैट वी गिव टू द आउटसाइड वर्ल्ड is that we don't care about what is happening around the world, especially in terms of counterterrorism financing. और देखिए इसमें मानना पड़ेगा हैदर की इस बात को कि हम पाकिस्तान में ये अज्यूम कर रहे हैं कि दुनिया इन गाड़ियों को देख के खुश हो रही है लेकिन गाड़ियाँ देख के वो खुश नहीं हो रही वो ये समझ रही है कि it's a point of it's a point of question पानी नहीं है पीने का लोगों के पास और एक गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं सारे शॉपिंग मॉल्स भी खुले हुए मैं नहीं कह रहा कोई बुरी बात है इट्स अ गुड थिंग दैट वी इतनी पेंडेमिक में भी और इतने मैं तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है सच कि बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं दुनिया जो है वो बिल्कुल शट डाउन पे है पाकिस्तान इज़ नॉट शट डाउन देयर इज़ अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपनिंग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी ओवर हियर इज़ कि हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा जूनियर लेवल से ऑफिसर्स में लेके बदले हैदर भैया थोड़ा सा मैं बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम जो अगर मिल गया तो मैं आपको बता दूं इन फ्यूचर अभी जो आप बैंक्स में सिचुएशन देख रहे हैं यही रियल स्टेट एजेंट के साथ होगा जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे आप 35 लाख की गाड़ी खरीदेंगे तो आप अपने बेटे के नाम पर गाड़ी नहीं ले सकेंगे बेटे के नाम पर गाड़ी ले भी लेंगे तो आपको अपना सोर्स ऑफ वेल्थ सोर्स ऑफ इनकम सोर्स ऑफ फंड्स डॉक्यूमेंट कराना पड़ेगा इट विल ऑल्सो दुनिया में होता है जैसे दुनिया में होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो जो सोलिसिटर है वो आपसे उसी तरह की ड्यू डिलिजेंस करता है जिस तरह एक बैंकर करता है एक अकाउंटेंट जब आपकी कंपनी के अकाउंट्स कर रहा होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ये पता करे कि आपने जो नया गोडाउन खरीदा है या नई फैक्ट्री लगाई है इसके पैसे आपके पास कहाँ से आए आपने हमारे फ्यूचर शब्बर जैदी की बातें सुनी आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इनसे बात करते हैं कि राइटिंग के हवाले से फिल्म टेलीविजन के हवाले से नई जनरेशन में इंडिया पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या नई चीजें आएंगी इट शोल्ड अस अ ब्रेक वी विल बी राइट बैक वेलकम बैक और तीन हजरात आप देख रहे हैं जिंदगी विसाजा से आखिरी सेगमेंट है और बड़ा ही जबरदस्त क्योंकि हैदर जो ना फंस गए हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग इतना पैसा है दुनिया भर में हैदर जो ना अब एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आप रह रहे हैं और पाकिस्तान को इसे ब्लेम करना काफी नहीं होगा नहीं ऐसा नहीं है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें अपनी इमेज दुनिया भर में बेहतर करने के लिए देखिए हमारे यहाँ हर तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस जब से मैं आया हूँ आई स्टार्टेड रीडिंग कि क्या नई रेगुलेशंस आ रही हैं पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा है तो अगर देखा जाए तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ड्यू डिलिजेंस के दे आर राइट देयर विद द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास हर चीज़ का लॉ मौजूद है हर चीज़ का रूल मौजूद है तो वो वाली सारी मेहनत हो चुकी है अब सारा जो इशू है वो इम्प्लीमेंट करने का है अगर हम पाकिस्तानी ये बात तो इम्प्लीमेंट करने का तो पूरी दुनिया में है ना भाई जी हाँ तो हमारे पास कभी भी नहीं इम्प्लीमेंट होगा साहिद भाई ये इट विल टेक टाइम मगर देर आर नो टू वेज अबाउट इट हम ये नहीं हम यू कांट गेट अवे विद जस्ट सेइंग कि यार हम कुछ कोविड आ गया कोविड आया और इसकी वजह से अब एक दुनिया भर के एक बड़े मसाइल बढ़ गए जी हाँ इंतहा से ज्यादा गुर्बत
अब महसूस होने लगी है, लोग घबराने लगे हैं। पाकिस्तान में हम समझते थे कि क्योंकि कम आया इसका इफेक्ट, तो उतना इकोनॉमिक यू नो मेल्टडाउन हमारे ऊपर नहीं आएगा। आया हुआ है। और उसकी हरगिज़ वजह बीमारी नहीं है, हमारे एटीट्यूड्स हैं। हम इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन स्पेशली कि हर आदमी ने यह सोच लिया है कि अब वो कोई काम में हिस्सा नहीं लेगा। ये मैं डायरेक्टली आप लोगों के ऊपर ब्लेम करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ रहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इम्प्रेशन है कि सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है और हम पर हमारे पर बड़ी सख्ती हो रही यार है। सच बात है। ये अनफॉर्चुनेटली ये जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसी से नेपाल गुजर रहा है, उसी से बांग्लादेश गुजर रहा है। नेपाल नहीं गुजर रहा यार, यकीन करें। चलिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं, यूएई जिस चीज से गुजर रहा है। हां चलिए, राइट। दुबई वाज सडनली इन द पास्ट 3 to 4 years वाज कंसीडर्ड एज हाई रिस्क। नहीं, क्या गुजर रहा है, उन्होंने तो बहुत फायदा उठाया उन्होंने यूएई के से। यूएई ने इसराइल के साथ कर लिया। देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर डूइंग इट। क्या रीजन है? देयर माइट, देखें यूएई के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वहां पे हम, व्हेन आई वाज सिटिंग इन लंदन सिटिंग विद अ बैंकर देयर, he was always concerned about the sanction risk because Dubai is a very cash intensive economy. There are loads of expats living there and lots of Iranian nationals living there. You know, Dubai to safe haven hai bhai jaan. Dubai mein to aapko poochte hi koi nahi hai kahan se paisa aaya, bas aa jaye. Sahib bhai, sara jo FATF ka jo atab hai na, I'll give you a small example ki main ek London mein ek investment banker ke sath baitha hua, uska ek client hai jisne 300 मिलियन पाउंड या 400 मिलियन पाउंड पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर दिया। आखिर में उसके पास 10, 12, 15 मिलियन पड़े हैं। उसके क्लाइंट ने कहा, यार तू कर दे कहीं थर्ड वर्ल्ड में, कर दे कहीं। अब उसके पास लिस्ट है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, इंडिया भी है। इमरान खान, उनकी हुकूमत, रजा बाकर, ऑल दीज पीपल हु वर्किंग रियली हार्ड, वो कितनी भी सहूलियात दे दें कि हमारे रेट्स भी अच्छे हैं, हमारी लेबर भी सस्ता है, हमारे पास वेदर बहुत अच्छा है, हमारे पास जगह बहुत है, हमारे पास समंदर है, हर चीज है हमारे पास, अल्लाह की दी हुई हर चीज है, अल्लाह का बड़ा फजल है। नाउ द इन्वेस्टमेंट बैंकर सिटिंग देयर, आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, आई एम द पाकिस्तानी सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, एंड ही सेज, या ही डजंट केयर, उसको बहुत ज्यादा पैसों का फर्क नहीं पड़ा, उसने अपने साल का बोनस बना लिया, ही जस्ट हैज टू पिक एंड चूज कि ये 20 मिलियन में कहां फेंकूं। नहीं, यहां तो लोग इसलिए नहीं आना चाहते, ज्यादातर डरते हैं, खौफ खाते हैं। खौफ की बात भी नहीं, ही डजंट हैव रियली हैव टू कम फिजिकली एंड डू इट, ही जस्ट हैज टू इन्वेस्ट विद सम लोकल कंपनी हु इज विलिंग टू गिव हिम एक्सीलेंट रेट्स एंड एवरीथिंग। यहां की लोकल कंपनी में से कोई ट्रस्ट नहीं करता कोई। अब हो या ट्रस्टवर्दी अगर बन भी जाए, राइट, द इशू इज कि वो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर वहां बैठा हुआ है ना, वो जब अपनी रिस्क रेटिंग देखता है ना पाकिस्तान की, तो एक बांग्लादेश है, नेपाल है, ही जस्ट हैज टू डू 3 days ऑफ एक्स्ट्रा वर्क व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। ही विल हैव टू मेक श्योर कि वो जो कंपनी है उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसके शेयरहोल्डर्स कौन है। हमारे आपके बच्चे बेटा, आप तो क्योंकि अब हम एक एज गुजर गई हमारी, तो आपकी दुनिया ये है, अब आपकी दुनिया है, हमारे जो बड़े हैं इन्होंने पाकिस्तान जिनको जिन्होंने चलाया, कैसे ही चलाया? नहीं, इन टर्म्स ऑफ जो हमारा इम्प्रेशन दुनिया में क्रिएट हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप जब एज अ पाकिस्तानी डिफेंड कर पाते हैं, हर जगह जाके डिफेंड करना पड़ता है, उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं जो पाकिस्तान की अच्छी हैं, जो प्रमोट नहीं की जाती। आप जाके टूरिज्म पे काम हो रहा है, कौन सी चीजें बताओ हमें, हम प्रमोट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप हमारी म्यूजिक प्रमोट नहीं होती, मैं करूंगा आज से। हां, फैशन हो गया, आर्ट हो गया, आपका लिटरेचर हो गया, हमारा कितना लिटरेचर है, जो हमारी फिल्म, ड्रामा, ये सब चीज। ड्रामा तो खत्म हो गया हमारा। अगर आप, तो ड्रामा गुड लुकिंग लड़की है, बेहतर हो सकता है, हसीन हसीन। आप तो बहुत उसको नजदीक से देखते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा ड्रामा भी किया। आज भी हमारा बुरा ड्रामा जो मेरे नजदीक, आपके नजदीक बुरा, ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने कुछ इकदार को, कुछ चीज़ों को रख के लेके सामने चले, हमने अभी तक सेंसरशिप के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, हर चीज़ पे सेंसरशिप, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? साथ में आहिस्ता आहिस्ता ही होगा मेरे ख्याल से, जब व्हेन यू एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट ऑन टीवी, तभी वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। बहुत आज से एक ज़माना वो भी था जब जो को आप बात करते तो कोड़े पड़ते थे, इसी पाकिस्तान में होता था, बट टुडे यू कैन टॉक अबाउट लोड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हम और आप बैठ के खुल के पॉलिटिशियंस के नाम भी ले लेते हैं, आज से 15-20 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। मैं तो समझता हूं पाकिस्तान का जो प्रेस है दुनिया का आजाद तरीन प्रेस है। जी हां, थोड़ा सा लगाम देने की भी जरूरत है उसको, मतलब कौन, क्या तुम लगाम, तुम तो इमरान खान की बातें कर रहे हो यार। नहीं नहीं, मैं इन द सेंस कौन सा लगाम, उनको अपनी क्या लगाम देना चाहते हो बताओ। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, मगर इनको सेल्फ सेंसरशिप भी कोई चीज होती है। मैंने वो अभी लंदन में प्रोग्राम देखा था, उसमें कोई होस्ट जो थे वो कब्र में लेट के प्रोग्राम कर रहे थे। ये खुद चीजें आदमी को सोचना पड़ता है। लोग तुम्हारे जो गोरे हैं, ये अभी तुम्हारा ये बोरिस जॉनसन, ये कौन सा कोई शरीफ आदमी है, अजीब सा आदमी है,
ये जो बोरिस जॉनसन को पसंद करते हो तो कन्वीनिएंटली आप कह रहे हैं ये तुम्हारा जो बोरिस जॉनसन है, तुम जो हो वो ब्रिटिश, तुम जो हो एफएटीएफ, मैं तुम लोगों को वीजा ही ना दूं अगर मेरा बात चले तो। एक मिनट, मुझे एहसास था कि मैं कौन कौन हूँ आज इस इंटरव्यू क्या हमारे वैसे बहुत हमारे करीबी रिलेशनशिप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद एक मिशनरी स्कूल का पढ़ा हुआ और अगर पढ़ाई के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अब सडनली एक एस्केपिज्म का शिकार है अब इस पूरी एजुकेशन सिस्टम, आप जैसे लोग भाग रहे हैं बस जो कहो तुम कर लो, मैं अपने लिए अब वहां जाके तुमने जो याशी के लिए गए थे वो कर ली है, आ जाओ। अच्छा ये जो याशी वाली पॉइंट है ना, अभी हम आप ये बता रहे थे कि मैं यहाँ 10-12 साल काम करके गया, तो मुझे लगता है मेहनत मैंने वहीं जाके की, क्योंकि यहाँ पे तो मजा बहुत आता था अपने कम्फर्ट जोन था, मेहनत ही होती नहीं, मेहनत होती है बहुत होती है, मगर वहां जाके जो मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ा, जिल्लत और मेहनत का सामना करना पड़ा। वहाँ मशीनी जिंदगी है तुम लोगों की, बेशक सुबह उठो, रात को शाम को 6 बजे आओ, 8:30 बजे सो जाओ, लेकिन ये सब बीवी को खाना खिलाओ, जब तुम सारी खिदमत तुम करते हो अपनी बीवी की तो वो तुम्हारी कर रही है, हम दोनों एक दूसरे की खिदमत नहीं, तुमने तो कुक लिखा हुआ है, इक्वली खिदमत, तुम डरते हो, इक्वालिटी की वहाँ तुम्हें जूते मार के रखती है औरतें, इक्वालिटी उनके 50% है, तुम जैसे मर्दों को डर लगता है वहां औरतों के साथ खिलाफ बात करते हुए, इसलिए तुम लोग अरे तुम मर्द ही नहीं रहे वहां जाके, कैसे कोई बात करते हैं, सुपीरियर बीइंग्स, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो सुपीरियर बीइंग है बेशक, ये तुम लोग वहां जाके कर रहे हो। आई पर्सनली पाकिस्तान में औरत ऐसी नहीं हो सकती जैसे तुम इंग्लैंड में कर रहे हो, नहीं मेरी बेगम बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है, और लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह आपने शुरू में कहा कि मैं एक 40 साल अपनी बड़ी उम्र से लड़की शादी के लिए, मेरी बीवी बहुत पाकिस्तानी है और मेरी बेटी भी बहुत पाकिस्तानी है, उसको उर्दू आती है, उर्दू बोल लेती है, वो ऐसा तो नहीं है कि दूर छोड़ के जाती है कि अब्बा आप इधर ही रहे, वो मेरा स्कूल है, उनको पता नहीं चलना चाहिए पाकिस्तानी, मैं घर पे बाबा हूँ वहाँ डैडी हूँ, उसकी शक्ल लगती है पाकिस्तानी लगती है थोड़ी बहुत, बिल्कुल पाकिस्तानी कोई शक्ल वक्ल तो होती नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान वापस आने का दिल चाहता है। हाँ बिल्कुल चाहता है, हर वक्त चाहता है। देखें एक जो डिसएडवांटेज है कि कभी आप ऑफिस में बैठे हैं आपको कोई लतीफ़ा याद आ गया या कोई शेर याद आ गया या कोई, तो ये वो सब चीज़ें जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं मगर अब तो तुम फ़ोन करके कह सकते हो शेर याद आ रहा है, आह मेरी जान फकत चंद ही रोज़, फकत चंद ही रोज़, ऐसे हाँ यही हो जाता है, मतलब बेगम को सुनाना पड़ता है। मैं इसीलिए नहीं रहा जाके बाहर, एक तो तुम लोगों की लाइक मैकेनिकल है, फिर तुम सारे गोरे बहुत स्टिफ होते हो, बहुत स्टिफ। उसामा बिन लादेन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा अपना पर्सनल क्या ख्याल है, अच्छा हुआ जहन्नुम वासिल हो गया सद्दाम हुसैन, अच्छा हुआ जहन्नुम वासिल हो गया कर्नल कदाफी, वाज गुड फॉर हिज ओन कंट्री, ही वाज नेतन्याहू, ओ माय गॉड ही इज अ विशियस मैन, ये फ्रेंच में तो फिर फ्रेंच का आजकल कौन है, मैक्रोन खोता मैक्रोन के, वो क्या एक्सट्रीमिस्ट है, बड़ी बुरी बात की इतने में आप देखें, आप लोग बात करते हैं यूरोपियन वैल्यूज की, बड़ी बड़ी मॉरल्स की बात करते हैं, फ्रेंच वैल्यूज एंड यूरोपियन वैल्यूज कैन बी स्लाइटली डिफरेंट, क्या मतलब फ्रेंच भी अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उनकी पढ़ाई लिखाई और ये उन्होंने किया, ये बात कर रहे हैं गुलाम हुसैन की तरह, मुझे बुरा बुरा लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली हर जगह अगर देखा जाए तो एक्सट्रीमिस्ट सोच जो है वो रही है, बोरिस जॉनसन इज नॉट एज एक्सट्रीम एज व्हाटएवर, बट compared to what UK politicians are, he is on a completely different tangent. Pakistan mein jo log bahar England jana chahte hain, tumhari taraf bhagna chahte hain, na jaye taleem ke sath, nahi kyun na jaye, tum padh likh ke wapas aa jaye, ye Imran Khan wali baatein kar rahe ho tum, ha padh likh ke wapas, pehle jo marzi kar lo uske baad keh do ye na karo, khud to tum ghar aaye ho jaake London mein hi se, main to kaam kar raha tha, seekh raha tha aur ab jaye ho ke wapas aaun aur apply karun jo tumhare bacche kaise jaye, tareeqa kar kya hai bata do yaar thoda sa, yaar dekhen ek to pehli cheez to ye hai ke agar jo students ke liye main wo karna chahta hu ke hum log thodi research kare, google se dosti kare aur dhoonde scholarships dhoonde, zaruri nahi hai ke aapke paas koi 50 60 70 80 lakh rupaye account mein padhe tabhi aap ja sakte, ya aapke abba bahut ameer ho, ya mere abba bilkul ameer nahi the, maine ek scholarship dhoondi aur bahut aasan thi wo scholarship lena, एक मैंने रुपया नहीं दिया वहाँ पे पढ़ने का, अकोमोडेशन के पैसे देता था वहाँ से लिख लिखा के, यहाँ से एक सोप लिखता था मैं और उसके जो पैसे आते थे उससे मैं, और अब तुम ड्रामा लिख रहे हो जो तुम मुझे दोगे और बगैर पैसों के मैं ले लूँगा तुमसे, आप ले लें, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी गुड हैदर, बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया, मुझे बड़ी उम्मीद है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, ओ माय गॉड इट्स फाइन, आई हैड टू, बिकॉज़ मुझे बड़ा जिना से मैं बड़ा इनैमर्ड हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी नई नस्ल है ये बहुत लर्नड है
और बाहर जाके वापस आएगी तो पाकिस्तान की खिदमत ज़्यादा बेहतर हो सकेगी, ज़्यादा समझेगी। तो आइए दुआ करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी नई नस्ल पाइंदाबाद। आमीन। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम तक के लिए, इजाज़त दीजिए।